एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग सब घर में हैं, है ना, तो हमारा सबसे ज़्यादा अभी जो यूज़ आ रहा है वो फेस वॉश आ रहा है। हम दिन में 2 बार फेस वॉश करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हमें फेस वॉश करना ज़रूरी है, मॉर्निंग में भी एंड नाइट में भी, है ना, स्किन केयर के साथ में। अब आपको पता है कि अगर हमारा फेस वॉश ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा फेवरेट वाले हैं फेस वॉश जो हम डेली यूज़ करते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद आप फेस पर क्या लगाओगे, है ना। तो मैं आज आपके साथ DIY फेस वॉश शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही DIY फेस वॉश बनाएं एंड उसी को यूज़ करें। आपकी स्किन कोई भी हो, स्किन टाइप कोई भी हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन ऑयली, पिंपल प्रोन, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव स्किन वाले एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सभी स्किन वाले इस DIY फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपकी स्किन में कोई भी किसी तरह का हार्मफुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ वो सारे घर के इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, जिससे आपकी स्किन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में, है ना, धीरे धीरे ग्लो लेकर आएंगे, स्किन को फेयर बनाएंगे, स्किन में झाइयें, पिंपल, एक्ने एंड इस डार्क स्पॉट्स, आपके अगर डार्क सर्किल्स हैं वो, और किसी काले निशान आ गए हैं, मतलब सनटैन हो गया है, एवरीथिंग, आपकी स्किन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ना गाइस, तो ये आपकी सभी प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने आज यूज़ किया और आज ही आपके सारे मतलब निशान चले जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही मैं। इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे, एवरी डे आपके स्किन में से, सीरियसली बता रही हूँ, आप 15 दिन इसको रेगुलर यूज़ करो, आपको 15 दिन में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत सारा मैंने आपको बेनिफिट बता दिया है, अब मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बनाकर बताऊँगी कि कैसे आपको बनाकर इसको फेस वॉश को रख लेना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज़ बनाना है, ठीक है, इसको बस एक बार बनाकर रख लीजिए आप, एंड इसको आपको एक बार बनाकर रख देना है। मैं आपको जो बताऊँगी ना वो आप 15 दिन का एक साथ बना लीजिए, एक हफ्ते का भी बना सकते हैं, 15 दिन का बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हम चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो आप सबके घर में अवेलेबल होंगे, जो जो इंग्रेडिएंट है ना गाइस, वो सारे आपको यूज़ कर लेने हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बेसन। बेसन ये मैंने सब स्टिकर लगा लिए, मैंने सबको, है ना, कंटेनर में डाल के रख दिया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी हो तो देख लीजिएगा, या इसके बाद में शायद मिल जाएगी, पता नहीं इससे पहले अपलोड करूं या बाद में करूं, जब भी मिला आप एक बार देख लेना मैंने कैसे, है ना, मेरे पास भी सारे पॉलीथीन में रखे थे तो मैंने सबको कंटेनर में डाल दिया, ये इजी रहता है ना। और मैंने ये इसके ऊपर वो चिट लगा दी है इसको पेस्ट करने के लिए, अब वो मुझे पेस्ट के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करूँ, तो इसको मैं बाद में चिपका दूँगी इस पर, ठीक है। तो अभी हम ले रहे हैं बेसन, जैसे कि ये है बेसन का कंटेनर, तो अभी हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, और बेसन आप लोगों के घर पे बहुत ही इजीली आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप बनाकर रख लीजिए हफ्ते भर का, मैं यहाँ पर एक हफ्ते का बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और आपको सभी की क्वान्टिटी, है ना, सिमिलर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम एक चम्मच ले लेते हैं बेसन, ओके, ये हमारा हो गया बेसन। सेकंड जो हम लेने वाले हैं, ऑरेंज पील पाउडर। अब आई थिंक हो सकता है आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं हो, तो कोई इशू नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरे पास जितने भी इंग्रेडिएंट है ना गाइस, मेरे पास जितने भी पाउडर हैं, मैं सोच रही हूँ मैं सभी को मिक्स करके अच्छा वाला बना लूँ, क्योंकि अब सब चीज़ें और सब स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं सब ऐड कर रही हूँ और मैं आपको ये सब शो कर रही हूँ, मतलब दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास इनमें से जो चीज़ें हैं, चाहे दो ही पाउडर हो, दो ही इंग्रेडिएंट हो, उन दो को भी आप मिक्स करके रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है ऑरेंज पील पाउडर, तो ये ऑरेंज पील पाउडर ये भी मैं एक चम्मच डाल दूंगी। और इन सब के फ़ायदे आप लोगों को पता ही होंगे क्या हैं। ऑरेंज पील पाउडर विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, आपकी स्किन को फेयर और बनाता है, और स्किन से सारे दाग धब्बे सब कुछ हटा देता है, ठीक है। हमने दो ये ले लिए इन्ग्रीडियंट। थर्ड हम लेने वाले हैं मसूर की दाल, ये मसूर दाल जो वो होती है ना रेड वाली, वो दाल है ये, ठीक है। इसका आपकी स्किन के ऊपर मतलब एक अलग ही जादुई मतलब निखार देता है ये आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है।
तो इसका भी मैंने पाउडर बना के रख लिया है, आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम इसका भी एक चम्मच ले लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम चंदन पाउडर। गर्मियों में चंदन पाउडर कितना ज़्यादा आपकी स्किन को ठंडक पहुँचाता है और आपकी स्किन को फेयर बनाता है ना, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चंदन पाउडर, ठीक है। ये चंदन पाउडर भी मैं एक चम्मच ले लूँगी। नेक्स्ट आता है कॉलिन क्ले। कॉलिन क्ले आपके पास है या नहीं है आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत मिलाइएगा, अगर है तो आप मिला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक चम्मच मैं कॉलिन पाउडर का डाल दूँगी। कॉलिन क्ले है ये, ठीक है, ये एक चम्मच है, ये छोटा है ना थोड़ा इसलिए, ठीक है। ये एक्चुअली आपको पता है मैं तो DIYs बनाती रहती हूँ ना, तो मैंने ये सारे पाउडर अपने पास मतलब मंगा के रखे हैं, कलेक्ट करे हैं, जो घर पर इन्ग्रीडियंट थे उनको पीस दिया था एंड ऐसे करके मैंने रखा है। ये है राइस फ्लोर, चावल का आटा, ये तो आपके पास इजीली मिल जाएगा तो आप लोग इसे तो ज़रूर ले लेना, ठीक है। ये आपको एक चम्मच ले लेना है चावल का आटा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम टर्मरिक पाउडर वाइल्ड, ये है कस्तूरी जो हल्दी होती है ना वो है, ठीक है। ये स्किन के लिए होती है एंड अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किचन में जो हल्दी होती है ना वो वाली यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इसका भी हम, ये हमें एक चम्मच नहीं लेना है, ये हमें मतलब आधे चम्मच से भी कम लेना है, ठीक है, हाफ स्पून से कम, ठीक है, आप देख लो इतना। ये हो गई हमारी ये, ठीक है। एक है ऑर्गेनिक, ये है लिकोराइज पाउडर जिसको बोलते हैं मुलेठी पाउडर, ठीक है। ये मेरे पास मुलेठी पाउडर है तो मैं इसको भी यूज़ करने वाली हूँ। इसका भी हम एक चम्मच ले लेंगे मुलेठी पाउडर, ये स्किन को ब्राइट करती है, वाइट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुलेठी पाउडर। एंड फिर आ जाते हैं हम मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी आई थिंक आप लोगों के पास होगी ही, तो आप ये मुल्तानी मिट्टी भी ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया ना गाइस, इनमें से जो भी हैं सबको आपको लेकर सबके पाउडर को और मिक्स कर देना। ये देखो मुल्तानी मिट्टी इतनी सी है मेरे पास भी, ये भी ख़त्म हो रही है, तो इसका भी मैं एक चम्मच ले लूँगी, ठीक है। बस तो अभी मैंने सारे पाउडर ले लिए हैं, अब इनमें से आपके पास जो है आप मिक्स कर लेना, ले लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे आपस में मिल जाए अच्छे से, ठीक है। एंड इसको आपको कंटेनर में पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, एकदम एयर टाइट, जो आप कोई भी ऐसा कंटेनर लेना जो एयर टाइट हो, ठीक है। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड एयर टाइट कंटेनर लेकर, और आपको इसको मिक्स करने के बाद में क्या करना है, ढक्कन लगा देना है और अपने बाथरूम में ही रख लीजिएगा, ठीक है। बाथरूम में आप रख लेंगे एंड एवरी मॉर्निंग आप थोड़ा सा इसको लेंगे, अपने हाथ में ही ले लीजिए, आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाउल लेना है या ऐसे करना है। जब भी आप फेस वॉश करेंगे ना तो बस इसे एक चम्मच ले लीजिए अपने हाथ में ही और उसमें पानी मिलाकर और बस आपको यूज़ करना है। ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये हमारा रेडी हो गया है, ये हमारा DIY फेस वॉश बन गया। अब आप खुद सोचो इसमें कितनी ज़्यादा गुडनेस है, कितने सारे मैंने चीज़ें जो जो डाली है ना सब कुछ बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए हेल्दी है। मतलब मार्केट के जितने भी आप फेस वॉश उठा लो, कितने भी महंगे महंगे फेस वॉश आपके पास होंगे, लेकिन उनके मुकाबले अगर आप इसका और उसका कंपैरिजन करोगे ना गाइस, तो इसके मुकाबले कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत शानदार आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोई करता है। अब बात कर रही हूँ कि इसको यूज़ कौन कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टीनेजर यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप का है सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के लिए, ठीक है, किसी के कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बन गया है और इस कंटेनर को अब मैं बंद करके और अपने बाथरूम में रखने वाली हूँ। ये देखिए बस ये कंटेनर हमने बना लिया है, इसको हम एक बार ऐसे हिला लेते हैं ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए, ठीक है।
तो बस अब हम इसे रख लेंगे और जब भी मॉर्निंग में हमें फेस वॉश करना होगा तो हम इससे फेस वॉश कर लेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, अभी मैं आपको डेमो दिखाती हूँ, आप लोग आगे डेमो देख लीजिए इसको फेस वॉश करना कैसे है, ठीक है। एंड गाइज, आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मैंने फेस वॉश बनाया ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। और आप लोग ऑलरेडी कौन कौन इस ऐसा फेस वॉश यूज़ करता है वो भी मुझे बताइएगा। और आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो एंड ये मैंने जो फेस वॉश बनाया ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना एंड सभी के साथ शेयर करना ताकि सभी को इसकी हेल्प मिले, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग सभी घर में बैठे हैं अभी फ़िलहाल, है ना। इसलिए आप सभी को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अभी तक नहीं किया है तो। इसी तरह मैं आपके लिए एवरीडे नई नई वीडियोस लेकर आती रहूंगी, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट।